अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू योर एसएसटी क्लास। ओपन योर एसएसटी बुक्स, पेज नंबर 27, वर्क पेज आज हमने करना है, यूनिट 5 है आप लोगों का। रूल्स फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड सेफ। टुडे वी डू वर्क पेज, पेज 27। डिफरेंट साइन आप लोगों को पता है स्टूडेंट, डिफरेंट अलामत होती हैं, आर यूज टू वार्न अस ऑफ डेंजर। मुख्तलिफ किस्म के साइंस होते हैं, निशान होते हैं, अलामत होते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर बने हुए होते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें उन चीज़ों से दूर रहना, हमें उन चीज़ों के करीब नहीं जाना। तो साइन उन चीज़ों पर बना दिए जाते हैं, वो जो चीज़ें हमारे लिए ख़तरनाक होती हैं उनके ऊपर वार्निंग साइन बना दिए जाते हैं कि आपने उन चीज़ों को छेड़ना नहीं है। तो आज हम सबको कुछ मुख्तलिफ किस्म के साइंस हैं, तो आप लोगों को मैं बताऊँगी कि वो हम क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट, दिस इज़ साइन, दिस इज़ वार्निंग साइंस। ये हमें कहता है कि आप लोगों ने दूर रहना है, यहाँ ख़तरा है। दिस इज़ वार्निंग साइन, ओके। आप लोगों ने अपनी वर्कबुक पे राइट करना है, वर्क पेज पे भी, दिस इज़ वार्निंग साइन, ओके। ये हमें कहता है कि यहाँ ख़तरा है, दूर रहना है। रोड रिपेयरिंग साउंड, जब ये ऐसा साइन आप लोगों को नज़र आ, इट्स मीन कि वो रोड अभी बन रहा है या उसकी मुरम्मत हो रही है। रोड रिपेयरिंग साउंड साइन, रोड रोड रिपेयरिंग साइन, ओके स्टूडेंट। नंबर 3 पे है, जब आपको ऐसे नज़र आके देखे ना स्मूथ होकर, फिर ऐसे, इसका मतलब होता है अन ईवन रोड, ना हमवार सड़क, इसका मतलब होता है अन ईवन रोड। ये जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है, क्योंकि जगह जगह ये साइन लगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये साइन किस जगह पर और क्यों लगा हुआ, इसका क्या मतलब है। फर्स्ट साइन है, इसका मतलब है वार्निंग साइन, खतरे का साइन। कोई जगह खतरा हो तो उसके ऊपर ये साइन बना हो, तो इसका मतलब है इस जगह से दूर रहना, इस चीज़ को छेड़ना नहीं है, ओके। दिस इज़ रोड रिपेयरिंग साउंड साइन, रोड रिपेयरिंग साइन मीन के सड़क की मुरम्मत हो रही है या वो बन रही है। दिस इज़ अन ईवन रोड साइन मीन के यहाँ रोड टूटा फूटा है, ऊपर नीचे है, ना हमवार है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये अपने वर्क पेज पे साइन के सामने राइट करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।